जी संग्राम जी, क्या मामला था? आप लोग कोर्ट में सवेरे से आपके सभी साथियों के साथ भाजपा के सारे लोग यहाँ हैं, क्या बात था? ये विगत 2 साल पहले का मामला है, 23 फरवरी 2019 को जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जो यहाँ के जो मंत्री हैं कवासी लखमा, उन्होंने नक्सलियों की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के ऊपर की थी। और एक हमारे पत्रकार भाई हैं, उन्होंने भी पूछा था कि आपके संगठन में कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं। उन्होंने कहा था कि ये आप आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने आरएसएस को लेकर ऐसे गलत बयानबाजी करना ये किसी मंत्री को शोभा नहीं देता है। आरएसएस सबसे बड़ा संगठन है और उसके साथ साथ देश ही नहीं पूरे विश्व में उनका नाम है। और मैं तो ये कहूँगा कि कवासी लखमा के बयान पर हमने पुतला अगर जला दिया उसके बाद FIR दर्ज करना, ये सोचने वाला विषय है। और कांग्रेसियों द्वारा इतने पुतले दान होते हैं और हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दान करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, तो उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं होता। इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि दलगत राजनीति से उठकर अगर नियम बनाए तो सबके ऊपर नियम होना चाहिए। सरकार आज है कल नहीं रहेगी, ये सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन समय सबका आता है और पुलिस को नियम के अनुसार ही कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के दल से बिलोंग करते हो। मैं इतना ही कहूँगा कि हम यहाँ पर कोर्ट में आज आए हुए हैं और आज हमारा जमानत यहाँ पर हुआ है और हमारा जमानत करने वाले हमारे नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी हैं और साथ में जो सात जिन्हें अभियुक्त बनाया गया है, इसमें मैं स्वयं संग्राम सिंह राणा, नरसिंह राव, रजनीश पानीग्राही उस समय युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे और साथ में 4 अन्य, प्रकाश रावल, प्रकाश झा, बंटू पांडे और सुरेश कश्यप, ऐसे 7 लोगों के ऊपर इन्होंने 3 धाराएं लगाया है। और मुझे लगता है कि धारा लगाकर कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश, डराने की कोशिश, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, डरेंगे नहीं, हमेशा आगे बढ़ेंगे, हर जनहित के मुद्दे को लाकर खड़ा करेंगे और ऐसे मंत्रियों को हम सामने रोड मिलेंगे।